गाइज गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। आज का ये ब्लॉग जो है ये मैं अभी जिम में हूँ, तो शाम से शुरू कर रही हूँ। और आज आपको जिम पूरा खाली दिख रहा होगा क्योंकि हमारे ट्रेनर जो हैं वो अभी आज नहीं आए हैं, तो लोगों की जो तादाद है वो भी कम रहती है और आए हैं लोग चले गए हैं। आज मैं लेग्स कर रही हूँ क्योंकि मैंने एक दिन करके बीच में स्किप करा था, तो मुझे पेन बहुत ज़्यादा है। तो अगर कंटिन्यू करूँगी तो ये मसल ट्रेन होने लगेंगी धीरे धीरे, तो पेन यहाँ से गायब हो जाएगा। तो लेग करके फिर घर जाते हैं, तो देखते हैं कि आगे की प्रोसेस क्या है। आज ये दो भी उपस्थित हैं जिनका फिटनेस से कोई लेना देना नहीं है। ये तो अभी छोटी है, इस आदमी का अभी तक कोई लेना देना नहीं है। आप ये तो आप ऐसे ही दिखा रहे हैं, पेट दिख रहा है साफ साफ। ट्रेडमिल पे इन्होंने मेरे को वो किया है चैलेंज, बस ट्रेडमिल पे 2.5 किलोमीटर कैसे भी कार्डियो कर दीजिए, कैसे भी करना है। मतलब कि या तो चल चल के करिए या दौड़ के करिए, आपकी मर्जी है यार। थोड़ा प्रैक्टिस का सीन है, बाकी तो दिक्कत थोड़ी, 2.5 किलोमीटर बहुत होता है क्या? और क्या, अब आपके लिए तो बहुत है भाई। ऐसा कुछ गेट नंबर 1 तक जो कि 1.5 किलोमीटर है, जाते जाते थक जाते हैं। खैर कर लेंगे, पर यही है कि प्रैक्टिस में नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा है। बट जो ये वाला एरिया है, हाँ उसमें देख रहे हैं, ये जो आपका बट वाला एरिया है ये पीछे की तरफ होना चाहिए, ठीक है? ये नहीं, ऐसे ऐसे बैठ के नहीं करना है। और ये जो ये है पाँव, ये लास्ट मतलब जो है एज पाँव का, और जब ये बेंड करें तो ये जो घुटने का घुटना जो बाहर निकलना है, ये दोनों पैरेलल होना चाहिए। ओके, ठीक है? जैसे ये पैरेलल होना चाहिए, ऐसे नहीं आप कर सकते, इसको अंदर ले लिया ऐसे करने लगे, ये देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये घुटना बाहर निकल जा रहा है ना, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है आपको। कोशिश ये करनी है, मत बेटा इसे कैसे, मम्मी क्या छोड़ के आई है, मम्मी पूजा कर रही है। कोशिश ये करनी है कि जब आप ऐसे बेंड करिए तो आपका ये और ये दोनों ऐसे परपेंडिकुलर आए, मतलब सॉरी पैरेलल आए। तो ये ये आपका ऐसे नहीं होना चाहिए, ये चीज ये फ्रंट नहीं होना चाहिए, इसमें स्पेस रहना चाहिए, ठीक है? और जब आप इसको ऐसे पुश कर रहे हो ये स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, ओके, ये हल्का बेंड ही होना चाहिए। ये आप नीचे ले आए और फिर ये चीज जब आप ऊपर कर रहे हो तो ये बेंड फॉर्म नहीं होना चाहिए, ये ऐसे स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है? एक सेट हो चुका है, एक सेट और कर लें। और देखो भाई ये सब जो डिटेल है ये मैं वही बता रही हूँ जो मेरे ट्रेनर ने मुझे बताया। ऑफ कोर्स मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो उन्होंने मुझे बताया प्रिकॉशन वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप भी कर रहे होगे अगर जिम, तो आपके ट्रेनर भी ये सारी चीज़ें बता। जबरदस्त नाम ये मौसम खराब होते हुए, मौसम खराब होते हुए मानू बनाना खा रही है, बनाना देखो गिराना शुरू। अच्छा बनाना है ना, बच्चे की तरह रहना, गुड हैबिट सीखो। जिम से आ गई मैं वापस और तो कैसे रहेंगी बताइए, मम्मी उसको गुड मैनर्स सिखा रही, और इतनी ज्यादा आंधी तूफान है, इतनी ज्यादा है। खैर थोड़ा मौसम अच्छा हो जाएगा, और मुझे बहुत ज़्यादा पसीना हुआ है, बहुत स्वेटिंग हुई है, तो थोड़ी देर बाद मैं नहाऊंगी। अभी हम थोड़ा चाय पीने जा रहे हैं, थोड़ा चिल मूड में रहेंगे। मूड में रहेंगे, हम देख रहे हैं एक जियो सिनेमा पे सीरीज आई है रणनीति, जिसके सारे एपिसोड हमने देख लिए हैं, 3 एपिसोड बचे हुए हैं, वो भी हम देख के अभी फिनिश करेंगे। ये है एक पैट्रियोटिक सीरीज है, अच्छी है। लास्ट के 2 जो एपिसोड हैं मुझे लगा कि ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, थोड़ा खिंच रहा है, बट दैट इज़ ओके, आप देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा ही। और यही करेंगे, शांतनु भी आज खेलने नहीं जा रहे हैं, तो अभी हम लोग घर पे इंजॉय करेंगे। शेफ इन द किचन, बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जब आप चाय बनाते हैं। यार इतनी
छोटी इलायची मम्मी लाएंगे? नहीं तो एक पैकेट हम मंगाए थे ना है? यस सही इलायची फ्लिपकार्ट ग्रोसरी से मैंने पूरी एक पैकेट जितने बड़े जीरे के पैकेट थे उतने बड़े मैंने इलायची के पैकेट भी मंगवाए थे। देखो जा गया। नो क्या बताना चाह रहे हैं तो आपने ड्रिंक करने के बाद आपने चाउमीन खा ली? पहली बात तो वो कि वो चाउमीन तो नहीं खाए, थोड़ा तो चलता है भाई। थोड़ा कैसे? अगर आप जिम करेंगे तो इसमें आपने बताया अब कार्डियो करें भैया और लेग प्रेस तो क्या और क्या नाम शोल्डर और दुनिया भर का जो भी जो भी उसको अगर एक प्लेट आपने एक प्लेट तो नहीं खाई भाई, मुश्किल से 5-6 चम्मच रही होगी, वो भी छोटे चम्मच लकड़ी के थे, वो एक प्लेट तो खाए इसमें तो छोड़ दिया है। वो शेयरिंग में था, मम्मी उसमें ज़्यादा खाई, जरा सा मुश्किल से 4-5-6 चम्मच मान लो, टेस्ट के लिए टेस्टफुल था, थोड़ा सा तो खा लिया बस और कुछ नहीं खाया है। ये देखिए इनका बेवकूफ़ी देखिए। नो नो जाओ ब्रश करके आओ अपने टीथ। गो तो है ना जो चार हैं उसको ब्रश करके आओ। समाज क्या हो? दातुन ले लो, तुमको कल से दातुन ला दूँ। नीम का पेड़ का दंडी दे देंगे यार, उसमें से ऐसे कर लो। क्यों नहीं दोगे? क्यों देते? क्या कहते हैं सरल भाषा? इसको सरल भाषा में कहते हैं हिपोक्रेसी। सच है ये। देखो आज पापा सुबह गए हैं तो हम देख रहे थे, जब पापा जा हम सच बता रहे हैं आपको ये मेरे अंदर लगता है मम्मी सही आ गया है, इसीलिए हम नहीं जा पाते आपको छोड़ के। तो मम्मी क्या की अंदर चली आई, देख नहीं पाई जाते हुए अंदर चली आई, और फिर तब से इनका मुंह बना था, हमको पता था, हम जानबूझ के कुछ नहीं बोले, इसीलिए आज इनको लगेगा फिर कल से नॉर्मल हो जाएगा और पापा आ जाएंगे फिर कुछ दिन में, फिर इनको भी लेके जाएंगे। अभी वो इसलिए छोड़ के गए, थोड़ा सा दवाइयों का जो मेरा है ना वो मम्मी थोड़ा सा ध्यान दे देंगी, तो अभी कुछ मेरी ज़रूरतें हैं, कुछ हमको चाहिए थी तो इसलिए मम्मी थोड़ा उदास हो गई थी। लेकिन मैं ठीक है, वैसे पापा दिन भर पीछे पीछे पड़े रहते हैं ना, इसीलिए अभी कोई है नहीं कुछ बोलने को, हम लोग हैं दो लोग, हम लोग कर ही रहे हैं कुछ, तो कुछ करने को भी नहीं है खास, तो चलो कोई बात नहीं। तुम ऐसे उदास मत हो ना, जिस तुमको ठीक दवा देना वो वाली दवा बहुत। हाँ तो अब रामायण देखते देखते हम और मम्मी भी थोड़ा बहुत जो खाना है खा लेंगे, और ये तो अपना डिनर फिनिश कर चुके हैं तो हम लोग भी अस्थिर हो जाएंगे। हाँ और इसी के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, फिर कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। हेल्दी रहिए, थोड़ा स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी बनाए रहिए, बना रहता है हमेशा, क्योंकि जो इस समय का टाइम है ना वो टाइम ऐसा है कि ये ही सारी चीज़ें हमें पॉजिटिव रखने में हेल्प करेंगी। एक तो आप हेल्दी रहिए, अपने सोल अपनी बॉडी को जितना हो सके हेल्थ कॉन्शियस बनाइए, और जितनी हो सके स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी भी रखिए। इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। स्टे फिट स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड नाइट, शुभ रात्रि।